नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सप्तन और Troopel.com पर आप देख रहे हैं बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो ग्रामीण और अर्धशहरी बाजारों पर केंद्रित एक अग्रणी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जम्मू में उसने टू व्हीलर से 20 व्हीलर महा लोन मेला आयोजित किया। इस दो दिवसीय आयोजन में M&M, मारुति, टोयोटा, हुंडई, टाटा मोटर्स, रिनॉल्ड, निसान, महिंद्रा और स्वराज ट्रैक्टर्स, महिंद्रा जेनसेट, महिंद्रा ट्रक्स, होंडा टू व्हीलर सहित अग्रणी OEM में हिस्सा लिया। वाहनों में दो पहिया गाड़ियों से लेकर वाहन, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल वाहन से लेकर कमर्शियल उपकरण तक शामिल हुए। इस अनूठे टू व्हीलर और 20 व्हीलर महा लोन मेला की परिकल्पना महिंद्रा फाइनेंस द्वारा वन स्टॉप शॉप के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य एक सुविधाजनक स्थान पर कई ब्रांड डीलरशिप्स के जरिए विभिन्न रेंज के उत्पाद उपलब्ध कराना था। फादर्स डे तो गुजर गया, लेकिन सितारे अब भी अपने पिता को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया, उनकी याद और उनके प्यार को हम एक दिन से नहीं जोड़ सकते। टीवी के कलाकारों ने कहा कि भले ही हम एक दिन फादर्स डे मना लें, लेकिन पिता हर दिन हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं और हर दिन उनका ही दिन होता है। भाकरवड़ी में अभिषेक की भूमिका निभा रहे अक्षय केलकर ने कहा कि अपने डैड के लिए सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करना मुझे सुकून नहीं देता, मेरे लिए तो हर दिन फादर्स डे है। वहीं तेनाली रामा यानी कि कृष्णा भारद्वाज कहते हैं कि लड़कों की जिंदगी में पिता बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं थोड़ी बहुत जो भी एक्टिंग जानता हूँ वो अपने डैड की वजह से ही जानता हूँ, क्योंकि वो खुद भी एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं। भाकरवाड़ी की गायत्री यानी कि अक्षिता मुद्गल का मानना है कि पिता घर के स्तंभ होते हैं, वही होते हैं जो हमारी किसी भी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश छोड़ने में भी नहीं कतराते। मेरे और मेरी बहन के लिए हमारे डैड हमारा पहला प्यार है। 28 जून पास आ रहा है और पास आ रही है भयानक गुड़िया। जी हाँ, कंज्यूरिंग की खतरनाक डॉल एनाबेल कम्स होम के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है और न्यू लाइन सिनेमा की बेहद सफल एनाबेल सीरीज की तीसरी फिल्म है, जो कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा पूरे भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की जाएगी। एनाबेल फिल्मों इट और आने वाली इट चैप्टर 2 और द नन के स्क्रीन राइटर गैरी डॉबरमैन ने इस फिल्म के निर्देशन किया है। इस फिल्म के निर्माता एक्वामैन के निर्माता पीटर सफ्रॉन है। निर्देशक के तौर पर गैरी की यह पहली फिल्म है। उन्होंने फार्मिंगा और विल्सन दोनों की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि एड और लॉरेन के रूप में पैट्रिक और वेरा को निर्देशित करने का अवसर मिलना वास्तव में एक सपने के सच होने जैसा है। काम में वे बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। ये मेरी पहली फीचर फिल्म थी, इसलिए वे धैर्य और सहयोग से काम करते रहे। वे हमारी कहानी के लिए बहुत ही मददगार साबित भी हुए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर के पीछे की हकीकत जानना है तो बने रहिए Troopel.com पर।